अमेरिका का एक ऐसा बंदा जो ट्रेडमिल में मरना चाहता है बट किसी से थक कर हार कर हारना नहीं चाहता। बिकॉज आप उससे ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो, उससे ज्यादा पावरफुल हो सकते हो, बट ही विल नेवर आउटवर्क इट। आप उसे उसके काम में कभी भी पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दोनों साथ में ट्रेडमिल में चढ़ते हैं तो दो चीजें होंगी, या तो आप उससे पहले हार मान जाओगे या फिर वो ट्रेडमिल में मर जाएगा। लेकिन वो आपसे हार मानकर बट वो कभी भी ट्रेडमिल से नीचे नहीं उतरेगा। Distinctly different about me is I'm not afraid to die on a treadmill. You might have more talent than me, you might be smarter than me, you might be sexier than me, you might be all of those things, you got it on me in 9 categories. But if we get on the treadmill together, right, there's two things. You're getting off first, yeah, or I'm going to die. It's really that simple. Because वो अपने सपनों के लिए, अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक जीना चाहता है। वो मेहनत करना चाहता है अपने उन सपनों के लिए, जिन सपनों को उसने देख रखा है। क्योंकि उसे पता है कि मेहनत वो मुकद्दर लिखती है, जो मुकद्दर मुकद्दर का पासा भी नहीं पाता। क्या करना चाहते हो ऐसी मेहनत? क्या बनना चाहते हो तुम भी ऐसा? क्या रखना चाहते हो ऐसा? अगर कर सकते हो ऐसी मेहनत, जी सकते हो ऐसी जिंदगी, तो मुबारक हो, आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए। आपको इस दुनिया की कोई भी शख्सियत कभी भी पराजित नहीं कर पाएगी, क्योंकि कामयाब और नाकामयाब इंसान सिर्फ एक ही बात का फर्क होता है। कामयाब इंसान जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानता, और नाकामयाब इंसान जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में जीत कर बाहर नहीं आ पाता। नाकामयाब इंसान सिर्फ सोचता है और सोचते सोचते सारी जिंदगी गुजार देता है। कामयाब इंसान अगर एक बार सोच ले तो उसे करके दिखा। अगर कर सकते हो इस लेवल का त्याग, अगर कर सकते हो इस लेवल की तपस्या, तो यकीन मानो इस दुनिया में कोई भी शख्सियत तुम्हें किसी भी हालात में पराजित नहीं कर पाए। बॉस, ये दुनिया बेहद बेरहम है। शुरुआत में तुम्हें गाली देगी, तुम्हारा रोस्ट करेगी, तुम्हारा मजाक बनाएगी, बट नेवर लूज हो, बिकॉज गाली देने वाले भी ताली बजाते हैं। क्योंकि दुनिया को तुम पर बिलीव हो या ना हो, बट तुम्हें खुद पर बिलीव होना चाहिए। बिलीव होना चाहिए कि तुम कर क्या सकते हो, तुम क्या चीज हो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि दुनिया आप पर बिलीव करती है, इस बात से पड़ता है कि आप खुद पर बिलीव करते हो कि नहीं। So don't make excuse, just improve yourself. You are the best in the world. आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसानों में से हैं, क्योंकि हालात के सामने हाथ फैलाने से कुछ भी नहीं बदलता और ना ही कुछ मिलता है। हालात बदलने के लिए अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। बदलने होंगे उन सारे तरीकों को तुम्हें रोक कर रखे। So अभी डिसाइड कर लो तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, अगले 6 महीनों में तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या करके दिखाना चाहते हो। क्योंकि सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। हर रोज जी जान लगाकर तपना पड़ता है, अपने एक्सक्यूज अपने द्वारा बनाए गए भ्रमों को तोड़ना पड़ता है, तब जाके एक कामयाब इंसान अपनी कामयाबी को अचीव करते हैं। ये जितने भी दुनिया के कामयाब लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप जिसे भी कामयाब मानते हो, उनके सक्सेस के पीछे उनके कई सालों की मेहनत है। बॉस, ये जिंदगी इतनी अच्छी भी नहीं है कि आप इसे आसानी से जी सको, और इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप इसे आसानी से बदल ना सको। अगर ख्वाहिशें पाल रखे हो आसमान तक जाने के, तो खुद को बहाने मत दो, क्योंकि जो चाहोगे वो मिलेगा, जब चाहोगे तब मिलेगा, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा, बट उससे पहले वो करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं कर पा रहे। इस दुनिया का सिर्फ एक ही वसूल है, बात चाहे हेड की हो या फिर टेल की, इन पर उसी का होता है जो पलट कर ऊपर आता है। एक योद्धा की तरह ताकतवर बनो, एक शासक की तरह सोचो, एक सम्राट की तरह राज करो अपने समय अपने आप पर। अगर आज के हालात तुम्हारे बुरे हैं, तो यकीन करो और उन हालातों को बदलने के लिए एक्शन लो, और अपने ड्रीम अपने सक्सेस को अचीव करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो के साथ।